प्रैक्टिकली ये एक्चुअली एंजाइम्स एंड एक्टिव सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं अपने फिलीफॉर्म एपरेटस से, जो कि पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि आप इस तरह पॉलन ट्यूब मतलब इस तरह लैंड करें, इस तरफ आएं, आपका ये उस फेयर है जिससे आपने फ्यूज़ करना है। देन एक्टिंग एज ए शॉक एब्जॉर्बर फॉर इनग्रोइंग पॉलन ट्यूब, ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर, अगर कुछ ऐसे यू नो पॉलन ग्रेन्स आर शेड ऑन टू द और दे गेट इंट्रैक्टेड विद द ऊज फेयर, सो एनी काइंड ऑफ शॉक इज देयर, तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन आराम से हो जाए। फॉर्मिंग सीट फॉर पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज, पॉलन ट्यूब का जब डिस्चार्ज होता है तो पॉलन ग्रेन्स जब हमारे निकलेंगे तो उनके लिए एक तरह से सीट बनाते हैं। एंड एग और ऊसफेयर जो होगा वो दोनों सिनर्गिड सेल से बड़ा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये फीमेल गैमिट, इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द फीमेल गैमिट ऑफ ए फ्लावर, यू कैन आस्क दैट इट इज ऊसफेयर। इसकी वॉल जो होगी वो थिक होगी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थिक होगी और ऊपर ऊपर आती आती यानी कि चलाजल एंड वाली साइड आकर ये थिन हो जाएगी, ओके, थिन्स आउट टूवर्ड्स द ब्रॉड चलाजल एंड। फिलीफॉर्म अपरेटस इसमें हो भी सकता है और नहीं हो सकता, बट जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट है और वो माइक्रोपाइलर रीजन में प्रेजेंट है, ओके। न्यूक्लियस इसका सेंट्रल में है, उसका भी सेंट्रल में था, इसका भी सेंटर में है, बट इसका वो उसका जो वैक्यूल साइटोप्लाज्म था वो चलाजल एंड वाली साइड प्रेजेंट था, इसका माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म इज डेंस इन द चलाजल एंड, ठीक है। वैक्यूल जो है वो आपका माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होगा, बट जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डेंस होगा चलाजल एंड वाली साइड। यू कैन सी कैसे दो से चार, चार से आठ बने हैं और ये आपके पॉलर निकलाए हैं, ठीक है। इस तरह से डिवीजन हुई है एंड दिस इज योर एग एपरेटस लाइक दिस। ये आपके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुका है जिसमें एक सेल है बट आपके दो न्यूक्लियस हैं, ये आपके एंटीपोडल सेल्स हैं, गॉट इट। देन वी हैव एंटीपोडल सेल्स जो कि आपके चलाजल एंड पे प्रेजेंट होंगे, ये भी थ्री सेल्स हैं और ये चलाजल एंड पे आपके माइक्रोसैक में प्रेजेंट हैं। और एंटीपोडल सेल्स क्या करते हैं, ये इनकी शेप अलग अलग होती है, साइज भी अलग अलग होता है, ये मल्टी न्यूक्लियर भी बन सकते हैं एंडोपॉलीप्लॉइडी की वजह से, पॉलीटेनिक की वजह से। द सेल्स पोजेस ए नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं, स्टार्च हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं इनके अंदर, एंटीबॉडी सेल्स के अंदर ये सब मटेरियल फिल्ड है। और ये क्या होते हैं, लाइक योर एग एपरेटस, एग सेल्स जो हैं वो आपके गैमेटिक सेल्स हैं, जर्मिनेटिंग सेल्स हैं, बट जो आपके एंटीपोडल सेल्स हैं ये आपके वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है। एम्ब्रियोसैक के वेजिटेटिव सेल्स कौन होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं कि जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं आपके न्यूसेलस से, ताकि जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उससे न्यूट्रिशन मिलता रहे आगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे भी न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, उसके बाद भी उसको ग्रो करने में, सीड की फॉर्मेशन में, ओव्यूल से सीड बनने में उसको हेल्प मिले। सेल्स में डेवलप होस्टेरिया, होस्टेरिया नो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स विच प्लांट्स डेवलप, होस्टेरिया भी बना सकते हैं ताकि नरिशमेंट ग्रैब कर सकें, और बाद में ये क्या होते हैं, सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो दिस वाज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब जो आपके सेंट्रल सेल है, अगर लार्जेस्ट सेल देखा जाए आपके पूरे एम्ब्रियो सैक में तो वो आपका सेंट्रल सेल ही है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड है एम्ब्रियो सैक की। और जो आपका सेंट्रल सेल है उसके पास टू पोलर न्यूक्लाय हैं, एक सेल है और उसके अंदर दो पोलर न्यूक्लाय हैं, एक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर गॉल्गी बॉडीज भी हैं और उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल भी है। जो दो पोलर न्यूक्लाय हैं वो ऑफन फ्यूज़ कर जाती हैं, वो अक्सर फ्यूज़ कर जाती हैं ताकि वो सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी और फ्यूजन न्यूक्लियस फॉर्म कर सके। दो पोलर न्यूक्लाई ऑफन दे ऑफन गेट फ्यूज्ड टू फॉर्म सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी और फ्यूजन न्यूक्लियस, जिसको हम डेफिनेट न्यूक्लियस, डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इट इज़ द ओनली डिप्लॉयड, अगर वो फ्यूज़ होते हैं और सिंगल डिप्लॉयड सेकेंडरी फ्यूजन न्यूक्लियस बनाते हैं तो इट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियो सैक, ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इन द एम्ब्रियो सैक विच लेटर ऑन गिव राइज टू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके। ये सिंगल एक ऐसा डिप्लॉयड एंडोस्पर्म डिप्लॉयड सेल होगा एम्ब्रियो सैक का, जो कि बाद में क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स बनाता है जो कि क्या बनाएंगे आपके एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म यू नो डिप्लॉयड फूड लेडन टिश्यू
जो कि आपके फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, आपके सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा कि वो अच्छे से और ग्रो करे, डेवलप्ड हो जाए, यू नो सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जितने भी एंडोस्पर्मिक सीड्स होंगे, एंडोस्पर्मिक फ्रूट्स होंगे, तो उनमें उनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि फ्यूज़ नहीं होंगे पोलर न्यूक्लाई और डिप्लॉयड सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनता है, सो दे लैक एंडोस्पर्म। ओके, सो आज हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, दैट हाउ द मेल गैमेटो फाइट, व्हाट इज़ मेल गैमेटो फाइट और व्हाट इज़ मेगास्पोर एंजियम, हाउ मेल गैमेटो फाइट, सॉरी हाउ फीमेल गैमेटो फाइट इज़ फॉर्म, ठीक है ना। फीमेल गैमेटो फाइट क्या है, वो कैसे बनता है, कैसे पूरा एपरेटस है एम्ब्रियोसाइट कैसे बनता है, क्या पूरा स्ट्रक्चर पूरा प्रोसेस हमने पढ़ दिया है, व्हाट इज़ मेगास्पोरोजेनेसिस या व्हाट इज़ मेगास्पोर एंजियम, ठीक है ना। कार्पल से लेके अब तक हमने सारा पढ़ लिया, फीमेल स्ट्रक्चर भी देख लिया। सो टुडे लेक्चर वॉज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब कल हम इसके नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, कल का मतलब यही है कि नेक्स्ट थर्सडे 11 बजे जब हमारी क्लास होगी तो हम इसके नेक्स्ट वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें समझें, और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी टाइम। बाकी स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।